नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। मोतीगंज गोंडा झांझरी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा नोबरा में शनिवार को गरीबों में राशन बांटा गया। बताते चले कि कोरोना वायरस के चलते जहां गरीब लोग लॉकडाउन की वजह से खाने पीने के लिए परेशान थे, इसकी सूचना आसपास के क्षेत्रों में हुई तो सोहेलवा गांव निवासी सुरेश तिवारी, साइनपुरवा गांव निवासी वीरेंद्र वर्मा, किनकी गांव निवासी दीनानाथ शुक्ला संयुक्त रूप से तीनों लोग पहुंचकर नोबरा के मजरा साईपुरवा में 5 गरीब परिवारों को राशन वितरण किया, जो निशुल्क था। राशन पाने वालों में रूस से दुखहरण, त्रिभुवन, अजय, नानमुन शामिल रखे। इन लोगों को एक एक परिवार को 2 किलो चावल, 2 किलो आटा, 2 किलो आलू, 500 ग्राम दाल, 1 पैकेट नमक, 1 पैकेट सब्जी मसाला, तेल, नहाने का तथा कपड़े धोने का साबुन, माचिस और मोमबत्ती उपलब्ध कराया तथा इन परिवारों को बताया कि अगर आप लोगों को कमी होती है तो निशुल्क हमसे बात करें और खाने का राशन निशुल्क प्राप्त करें। इस समय कोरोना वायरस महामारी के चलते जहां पूरा देश संकट में है, वहीं कुछ लोग गरीबों की मदद के लिए आगे आए हैं। इस मौके पर थाना प्रभारी निरीक्षक मोतीगंज कन्हैया प्रसाद मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से मेराज अहमद की रिपोर्ट। मेरा नाम सुरेश कुमार तिवारी है जी। हमारी संस्था एक ट्रस्ट के रूप में चल रही है, नाथ सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जी। और हमारा उद्देश्य है कि इस आपदा में जो कोरोना वायरस आपदा चल रही है जी, इसमें भूखे निसहाय और गरीबों की सेवा करना, जिस भी ज़रूरतमंद व्यक्ति के घर में राशन ना हो या खाने की सामग्री ना हो वो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, हम उनकी यथासंभव उचित मदद करेंगे। उनके घर पर खाद्य सामग्री राशन में दाल चावल, चीनी, चाय पत्ती, आटा, सब्जी, तेल, जितनी घरेलू सामग्रियां होती है भोजन के लिए वो हम उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा मकसद है, कोई भी गरीब असहाय व्यक्ति भूखा पेट ना सोए। आज कितने लोगों को वितरण किया गया? आज हमारे संस्था द्वारा 5 से 10 लोगों के बीच वितरण किया गया और जिसमें हमारे क्षेत्र के हमारी संस्था के जो अध्यक्ष हैं, नाथ सेवा ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं दीनानाथ शुक्ला जी भी मौजूद थे और थाना मोतीगंज प्रभारी कन्हैया कुमार जी भी मौजूद थे। 5 लोगों को साईपुरवा में वितरित किया गया है और 3-4 लोगों को पोखरापुरा नोबरा में भी वितरित किया गया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।